डीजल इंजन, डीजल इंजन में भाई टॉर्क क्यों इतना ज़्यादा होता है कि पेट्रोल को खींच के ले जाती है, और बड़े ट्रक्स और बड़ी एसयूवीज़ उनको क्यों यूज़ करती है डीजल इंजन को। एक फर्स्ट प्रेफरेंस ये रहती है कि ट्रक वालों की कि भाई डीजल इंजन होना चाहिए, टॉर्किनेस होनी चाहिए, ऐसा क्यों होता है, तो भाई इसी को आज हम एक्सप्लेन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं नमन वर्मा NVTube में आप सभी का एक स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में, जिसके बारे में आज हम बताएंगे कि डीजल और पेट्रोल इंजन में क्या फ़र्क रहता है और डीजल में इतना टॉर्क क्यों रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दोबारा अब एक एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक हल्का सा ब्रीफ दे देता हूँ कि एक इंजन वर्क कैसे करता है। एक इंजन फोर स्ट्रोक बेसिस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, जिसमें हमारा पहला होता है इनिशियल स्ट्रोक बोल लो, या फिर इंटरनल जो जिसमें हमारी इंजेक्शन स्ट्रोक होता है वो बोल लो, सेकेंड स्ट्रोक हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, थर्ड हमारा पावर स्ट्रोक होता है, और फोर्थ हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। ये हमारा एक मोटा मोटा हिसाब है। और रही बात, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप मेरी IC इंजन वाली वीडियो देख सकते हो, हाउ एन IC इंजन वर्क, तो वो भी चैनल में ही है, आप बिल्कुल देख सकते हो। तो बात करते हैं भाई डीजल इंजन की। ये हमारे पास भाई गाड़ी है इनोवा, ठीक है, इनोवा में भी डीजल इंजन, इसमें भी डीजल इंजन, बड़ी SUVs में। तो ऐसा इसलिए होता है कि डीजल इंजन, डीजल क्या होता है, उसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो काफ़ी हाई रहता है पेट्रोल के मुकाबले, ठीक है। तो जब हमारा जो पावर स्ट्रोक होता है ना, कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, तो उस टाइम उस एयर को डीजल इंजन में इतना ज़्यादा कंप्रेस कर दिया जाता है, इतना ज़्यादा कर दिया जाता है कि डायरेक्ट डीजल जब हम उसे उसमें इंजेक्ट कर देते हैं ना, तो उसमें फायर ब्लास्ट हो जाता है, एकदम इतना गर्म हो जाता है, हम हवा को इतना कंप्रेस कर देते हैं। अब कंप्रेशन रेशो क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि हम डीजल को स्पार्क प्लग से हम इग्नाइट नहीं कर पाते, नहीं कर सकते बेसिकली, इसलिए हमें कंप्रेशन हवा को इतना गर्म करना पड़ता है ताकि उसमें डीजल जैसे ही हम इंजेक्ट करें और वो आग पकड़ ले एकदम धमाके से, और जैसे ही वो आग पकड़ता है तो उसी हिसाब से हमारा पिस्टन नीचे जाता है और वो क्रैंक को ट्विस्ट कर देता है, जिससे हमें एक पावर मिलती है और एक टॉर्किनेस का फील रहता है। इसलिए आपने देखा होगा जो हाई कंप्रेशन इंजन्स होते हैं उनमें टॉर्क काफ़ी ज़्यादा रहता है, और डीजल एक तरह का लुब्रिकेंट का भी काम करता है इंजन के लिए, क्योंकि उसमें हार्डनेस नहीं होती पेट्रोल की तरह, आप ये कह सकते हैं। और इसी वजह से जो डीजल इंजन होते हैं उनका जो पिस्टन का मूवमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, उनका स्ट्रोक भी लंबा होता है, और उनका जो बोर होता है, जो जैसे पिस्टन है उसका साइड का जो डायामीटर है वो काफ़ी चौड़ा रहता है बोर, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एयर को कंप्रेस कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा डीजल को बर्न कर पाए। इसलिए आपने देखा होगा 1500 CC, 2000 CC, 2500 CC, 3000 CC, इस हिसाब से डीजल इंजन आते हैं। कोई आपने 800 CC का इंजन नहीं देखा होगा डीजल इंजन, और अगर देखा भी होगा तो वो काफ़ी ओल्ड फैशन होगा। और रही बात आज के ज़माने में बात करें तो डीजल को भी टर्बो चार्ज कर दिया जाता है ताकि हम उसे और एयर डाल सकें और पावर एक्सट्रैक्ट कर सकें, तो इसलिए उसकी वजह से और ज़्यादा टॉर्किनेस बढ़ जाती है। जैसे आप नॉर्मल बेसिक गाड़ियों में भी हमने देखा है कि अगर हम पेट्रोल गाड़ी में भी टर्बो लगा देते हैं तो काफ़ी टॉर्किनेस बढ़ जाती है और पावर भी बढ़ जाती है इंजन की। तो सिमिलरली डीजल में जो पहले से ही टॉर्की था उसे और टॉर्की बनाने के लिए हम एक टर्बो चार्जर का भी यूज़ करते हैं, और टर्बो चार्जर समझने के लिए भाई मेरी एक और वीडियो है टर्बो की, हाउ अ टर्बो वर्क्स, आप उसे वो भी देख सकते हैं चैनल पे। तब तक और वीडियो अच्छी लगे तो भाई समझ में आया हो, और अगर मैं समझा पाया हूँ तो भाई मेरे को बिल्कुल एक लाइक दो, और नहीं समझा पाया तो डिसलाइक दो, और कमेंट करके बताओ भाई मेरे को क्या दिक्कत है। और चैनल अच्छा लगे तो भाई एक बार देख लो ना, और सब्सक्राइब करके बिना नहीं जाना। तब तक के लिए बने रहे चैनल।